अगर इनमें दम होता ये छुप जाते दूसरे दिन पब्लिक ये सामने बैठे हैं असंजात महसूस करते हैं रिफियाबाद के पन्नन बायन सत चुस बाज गोडनिक फिरिन वैसे ते सरदार या वैसे ते सियासतदान का मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ 8 मार्च को जब 2020 में हमने पार्टी बनाई राजसाहब आइए ना इस साइड में जो हमने उस वक्त बात कही वही आज सब जमातें कहती हैं देखिए जिस हमने उस वक्त कहा स्टेटहुड की ज़रूरत है हमने कहा ज़मीनों का तहफ़ करना है नौकरियों का तहफ़ करना है मुझे खुशी है 1.5 साल ज़ाया करके अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वही मांग कर रही है अब PDP भी वही मांग कर रही है सजाद गनी लोन साहब भी वही मांग कर रहे हैं आज मेरा एक सवाल उन लोगों से है ये सब लोग तो 370 और 35A का दिफा करने के लिए गए थे हम तो तब भी कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में ही होगा ये तो कहते थे तब तक कोई चीज़ हिलेगी नहीं यहाँ जब तक हम वापस नहीं लाएंगे क्या इन्होंने वो खोखले वादे फिर एक बार किए थे लोगों के साथ क्या वो फिर एक बार धोखा था इलेक्शन मुझे लगता है बहुत जल्दी होने चाहिए कि उन लोगों को ग्रास रूट डेमोक्रेसी की ज़रूरत है तकलीफ़ है लोगों को और जैसा आप देख रहे हैं हम अपनी जमात को मुस्तकम कर रहे हैं आज हमारे लिए खुशी की बात है कि 40 साल से जिनका वास्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ रहा आज ये हमारे साथ मिल रहे हैं हम तो इसलिए इस वक्त तंजीम को मजबूत कर रहे हैं क्यों ताकि लोगों के मसाइल ग्राउंड लेवल पर हम हल करें सर एक न्यूज़ गश्त कर रहे हैं कि स्टेटहुड शायद जम्मू को दे देंगे और यूटी कश्मीर क्या कहेंगे देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का वजूद 3 चीज़ों के लिए अमल में लाया गया था 1 नंबर 1 स्टेटहुड की बहाली 2 नौकरियों का तहफ़ 3 ज़मीनों का तहफ़ अल्लाह के फजल से 2 चीज़ें तो हमने हासिल की और ये जितने सियासी रहनुमा हैं और सियासी पार्टियां हैं इनके किसी मदद के बिना अल्लाह के फजल से और लोग अगर हमें साथ दें अगर लोग जिस वक्त इलेक्शन होंगे हमारा साथ दे दें मैं वादा करता हूं हम अकेले ही ये वादा भी पूरा करेंगे जिस तरह हमने वो 2 वादे पूरे किए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आपको ये कह रहे हैं कि कोई ये कोशिशें जो हो रही हैं जम्मू को कश्मीर से और कश्मीर को जम्मू से लड़ाने के लिए ये कभी भी कामयाब नहीं हो जाएंगे ये रियासत फिर इकट्ठे होगी इकट्ठे हमें स्टेटहुड मिलेगी और यहाँ जो हमारा भाईचारा रहा है जो जिसकी मिसाल हमेशा रही है वो हमेशा कायम और दायम रहेगा ये साजिशें सब नाकाम हो जाएंगी।